गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। तो 3 ऑड प्राइम का हमें सम करना है, ऑड टू में चाहिए और प्राइम में चाहिए, ठीक है। और उनका सम कितना आ जाए 20 होना चाहिए। इससे पहले हमने 2 का सम करके 20 जो भी नंबर्स थे वो लेके आ रहे थे, अब यहाँ पर 3 का सम लेके आना है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर 3 ली है, 3 एक प्राइम नंबर होता है ऑड टू होता है। अगला अगर मैं आपको 5 * 5 * 3 8 हो जाता है, 8 के लिए फिर मैं आपको 21 चाहिए होगा। देखें 5 + 3 का रहता है 8 आता है, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपको 3 और 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अगर मैं हमको 5 लिख देता हूँ और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 करता हूँ, तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 20 होना चाहिए और वो हमारा 21 आ रहा है। और तीनों के तीनों के हमारे पास ऑड प्राइम है। इसी की जगह अगर मैं क्या करता, एक पेयर में बना लेता, 3 लिखता, 7 लिखता, 7 और 3 तो 10, तो कितना बच गया 11 बच गया। 11 भी क्या होता है प्राइम है और ऑड भी है, तो इसका सम भी कितना है 20 होना चाहिए। दो पेयर में जा रहे हैं हमको, लेकिन हमें कितना लिखना है एक पेयर लिखना है। तो आप कोई भी एक नंबर लिखते हैं 3 + 5 + 13 या दूसरा लिखिए 3 + 7 + 7। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं देखा था मैं, ये ऐसे लिख दे रहे हैं इसको, ये ऐसे ना लिख करके इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, दूसरे वाले को भी एक ब्रैकेट में लिखिए, जिससे पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ पेयर बना रहे हो आप, ठीक है। तो एक साथ ना लिखिए, उसमें ब्रैकेट का यूज भी करना है। तो देखिए एक ये बन गया, अब दूसरा इसको देखते हैं। इसके लिए मैं पहला नंबर 3 लिख देता हूँ, 3 लिखता हूँ तो इसमें माइनस करूंगा, फिर उसके बाद फिर देखेंगे इसमें अगला क्या आएगा 5 करता हूँ। 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 31 में से अगर हम लोग 8 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 23 आ गया अगला। तो अगर मैं 23 लिख देता हूँ तो फिर भी कितना हो रहा है ये, इसका ये डिविजिबल होने वाला है, डिविजन सॉरी, इसके बाद ये क्या था इनका सम कितना होना चाहिए 21 31 आने वाला है। ये 28 28 + 3 31। और दूसरा क्या बन सकता था अगर कोई सोचे तो क्या बन सकता है 3 + 17 + 11। 17 भी ऑड नंबर है, प्राइम भी है, 11 भी है, 3 भी है, 7 + 17 + 3 20 20 + 11 31। सेम इसके 53 के देखते हैं, 53 के अगर मैं देखूं तो क्या बन सकता है इसमें 3 लिखा मैंने, उसके अलावा मैं इसको 5 ले लूं तो 53 माइनस 8 कर देते हैं तो कितना बन जाएगा ये 5 और यहाँ 30, ये 35 बन जाएगा, इसलिए ये नहीं लिख सकते हैं हम लोग यहाँ को 5, ठीक है। इसलिए 7 चेक कर सकते हैं, 7 अगर लिखूँ तो यहाँ कितना बनने वाला है फिर 43। तो अगर मैंने यहाँ 7 लिख दिया, इनका 10 हो गया, अगला क्या चाहिए हमें 43 चाहिए। तो ये देखिए तीनों के तीनों के प्राइम भी हैं और ऑड भी हैं। तो लास्ट वाला आपके छोड़ रहा हूँ मैं, लास्ट वाले को आपको बनाना है कि क्या इसमें कितने 3 नंबर्स क्या क्या लेंगे आप जिससे ये डिविजिबल हो जाए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास प्राइम नंबर का सम करना है, वो किससे डिविजिबल हो 50 तक हो, कितने नंबर था तो मुझे लेस देन 20 होनी चाहिए। तो अगर दो नंबर का सम कितना चाहिए, राइट 5 पेयर और प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर का चाहिए कहां तक 20, इनका सम करने का डिविजिबल बाय 5 हो। तो देखिए 3 और 7 था यहां डिविजिबल बाय 10, तो ये 5 डिविजिबल बाय 3, इनका सम 10 आ गया। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स होगा, 3 है यहां पे, देखिए प्राइम नंबर्स कितने 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है ना, सॉरी 9 नहीं, ये 11 है, 13 है, 17 है और कितना है हमारे पास 19 है। तो ये नंबर्स हैं, इनमें से किसको हमें सम करना है और कितना आ जाए डिविजिबल बाय 5 हो। तो डिविजिबल बाय 5 की कंडीशन क्या है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। अगर 2 + 3 करूं, 2 + 3 होने कितना आता है 5, ये डिविजिबल बाय कितना होता है 5 से होता है, एक हो गया। और दूसरा मैं देखूं 7 + 3 तो इसने दे रखा है पहले से, ये नहीं लिखेंगे हम लोग। अब कौन सा हो सकता है 13 + 2 हो सकता है, 13 + 2 कितना होता है 15 होता है, ये हो सकता है। अब कितना है 17 + 3 हो सकता है, 17 + 3 कितना होता है 20 होता है, ये भी हो सकता है। 3 पेयर हो गए, चौथे पेयर की बात करते हैं, चौथा पेयर क्या बन सकता है हमारे पास, देखिए इसमें क्या बन सकता है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे को 17 और इसको 13 + 17 दोनों कितना होता है 30 होता है, ये भी किससे डिविजिबल होता है 5 से डिविजिबल होता है। लास्ट पेयर बच गया, लास्ट पेयर में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 7 + 3 से पहले से लिखा है 11 + 2 और क्या बन सकता है इसमें। तो लास्ट पेयर आप ढूंढेंगे कि इसमें लास्ट पेयर क्या बन रहा है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ इसके बाद, राइट। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, क्वेश्चन समझा दूंगा।
अ नंबर व्हिच हैज ओनली टू फैक्टर इज कॉल्ड, अगर इसके दो फैक्टर हो, जब टू फैक्टर हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इसमें आपने आपको बुलाएंगे हम, आपको पूरा लिखना है स्टेटमेंट, उसके बाद लिखना प्राइम नंबर, खाली ऐसा ना हो कि आप खाली प्राइम प्राइम लिख दें। उसके बाद सेकंड है अ नंबर व्हिच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे तीसरा है हमारे पास, वन इज नेदर कंपोजिट नॉर प्राइम, नाइदर के आगे पहले वाले में क्या आएगा, ये आपको नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उसके डी पार्ट है इसका, डी पार्ट में क्या रहता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, टू होता है, क्योंकि टू से नीचे कुछ नहीं होता, वन होता है, वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ऐसे जीरो को कंसिडर नहीं करते हैं। सी और डी, डी स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है हमारे पास वन और हो गया तो टू क्या हो गया इवन हो गया तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है हमारे पास टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है, 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है, इसका 3.3 कल से स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले एक बार डिविजिबिलिटी जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी फिर कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन।